वेरी वार्म वेलकम टू क्रिकव्यू चैनल. और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके फेवरेट स्पिनर, लेग स्पिनर, जो कि पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे आईपीएल, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उन्होंने धूम मचाई है और बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, और आज वो मेरे साथ हैं. अमित, वेरी वार्म वेलकम टू क्रिकव्यू. थैंक यू. सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो कि अमित मेरे साथ है, तो अमित, सबसे पहले जो दर्शकों का एक सवाल रहता था कि अमित जब भी आए तो आप उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछो कि उन्होंने कैसे शुरुआत करी, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनको कितने चैलेंजेस आए, तो वो एक दर्शकों के लिए अगर आप थोड़ा सा पूछो. जर्नी तो हमेशा डिफिकल्टी रही मेरी स्टार्ट जब भी हुआ, कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था और कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे लिए खेलने के लिए. और जब भी खेलने जाते थे तो मतलब यही होता था कि मतलब काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी किसी भी चीज़ के लिए. तो जब भी प्रैक्टिस में भी जा रहे हैं तो बसों में धक्के खा के पहुँच रहे हैं और नेट पे जा रहे हैं, नेट पे खड़े हैं कि डेढ़ डेढ़ घंटा अपनी बॉलिंग का वेट कर रहे हैं और बैटिंग का वेट कर रहे हैं. जब जब सीनियर प्लेयर हट जाते थे या जब सब कुछ ख़त्म हो जाता था, हमें बॉलिंग मिलती थी. और उसके बाद फिर काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम रही लाइफ में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि थोड़ा फैमिली बड़ी थी मेरी और फादर बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे, और तो काफ़ी डिफिकल्ट रहा. लेकिन ये है कि मैं मदर का बहुत सपोर्ट रहा मुझे मेरी लाइफ में. जैसे कि नॉर्मली सबके फादर होते हैं, हर कोई चाहता है कि फाइनेंशियली उनका बेटा हेल्प करे और घर को थोड़ा बढ़ाने में कोशिश करे. तो मेरे ख्याल से 18 साल का मैं हो चुका था, मैं क्रिकेट कुछ कोई खेला नहीं, तो मेरा भी लास्ट ईयर था. तो मैं सोचता था कि लास्ट ईयर अगर ट्राई कर लेते, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्रिकेट छोड़ के कुछ और ट्राई करेंगे. बट उसी साल फिर मैं कुछ भी ट्रॉफी खेला, जो स्कूल नेशनल जो होता है वहाँ से खेला, अगर हरियाणा से इंटरनेट में खेला, वहाँ पर मैंने कुछ 6 या 7 मैच में 55-60 विकेट लिए. तो पहले साल हरियाणा जीता अंडर 19, तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. थोड़ा सा पैसे भी आने लग गए, तो डैडी भी थोड़ा कम बोलने लगे, बोलते तब भी थे कि मेरी जॉब अभी तक लगी नहीं है, गाने तब भी मिलती. बट स्पेशली जब मैं इंडिया खेला 2004 में, जब मेरी जॉब लगी ONGC के अंदर, उसके बाद उन्होंने मुझे बोलना बंद किया कि हाँ ठीक है, चल तेरी जॉब लग गई, घर में थोड़ा पैसा आएगा. अब तो ग्रेट है, बहुत अच्छी जर्नी है. तो ये जो आपने बताया, ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक टिप हो सकती है कि स्ट्रगल तो था आपकी लाइफ में, पर लेकिन आपका फोकस क्लियर था कि आपको क्रिकेट ही खेलना है, एंड दैट इज़ हाउ आप आज इतने बड़े क्रिकेटर बने. तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत जल्दी हार मान जाते हैं. इनफैक्ट अगर हम नॉर्मल मैचेस में भी देखते हैं, तो अगर उनकी बैटिंग नहीं आती, बॉलिंग नहीं आती, वो बोलते हैं कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा. पर आपने जैसे बताया कि आप नेट में इंतज़ार करते थे, तो ये जो स्ट्रगल का जो पीरियड है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जिस बच्चे ने पार कर लिया तो वो डेफिनेटली उसकी जर्नी. बिल्कुल, आपको अगर कुछ भी अचीवमेंट करनी है तो उसके लिए आपको वेट और हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो अगर आप वेट कर रहे हो तो साथ साथ हार्डवर्क भी करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो मेरे को लगता है कि जो मुझे लगता है कि आप 2-4 मैच भी खेल लोगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म नहीं खेल सकते हो, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे. आपको उस चीज़ में मेहनत करनी है, फोकस रखना है अपने आप को, और कभी भी डिसहार्टेड नहीं होना है. क्योंकि आजकल तो इतना, हमारे टाइम पर इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म है, IPL आ गया है. आप जरा सा भी अच्छा डोमेस्टिक में करते हो तो आपको IPL टीम मिल जाती है, फिर IPL में अच्छा करते हो सीधे आपके इंडियन टीम के रास्ते खुलते हैं आजकल तो, और फाइनेंशियली आपको हेल्प होता है. आप छोटी, आजकल तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ठीक ठाक पैसा मिल जाता है. तो मेरे हिसाब से आजकल तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि आपका फोकस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, और हार्डवर्क से आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. अपने टाइम का वेट करो, उसके लिए हार्डवर्क करो, जिस टाइम आपको आपका टाइम आए आप अपना परफॉर्म करो और दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हो. एब्सोल्युटली. और संजय सर का भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि उनकी वजह से ही हूँ मैं आज जो कुछ, क्योंकि स्ट्रगल बहुत कर रहा था मैं, और वो हरियाणा से हैं, उन्होंने मुझे हरियाणा लेके गए. उस टाइम मतलब मेरा ये था कि मैं क्रिकेट खेलूँ या छोड़ूँ, तो मुझे हरियाणा लेके गए. उस साल उन्होंने मुझे हरियाणा से खिलवाया, और उन्होंने ही आज मैं जो कह सकता हूँ कि अमित मिश्रा जो नाम बना है, वो उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है उसके पीछे. क्योंकि वो मुझे हरियाणा लेके गए, वहाँ से मुझे चांस मिला, फिर मैं रणजी ट्रॉफी खेला, अंडर 19 खेला, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. तो दैट इज़ वेरी ग्रेट. तो जैसा कि अमित ने बताया कि संजय सर का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो कोच और पेरेंट्स, ये दोनों का सपोर्ट तो जरूरी है ही लाइफ में. पढ़ने में भी कम, उनका मेंटली भी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे जब मेरे को बहुत जरूरत था. क्योंकि टेक्निकली मेंटली भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे जब मेरे को जरूरत थी. कि स्ट्रगल, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रगल हमेशा रहता है लाइफ में, कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे कि
कैसे करना है, शांत रहना है, क्या करना है, वो सब बताते रहते थे मुझे बहुत ज़्यादा। बहुत ही अच्छी मोटिवेटिंग स्टोरी है आपकी, एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छे जो भी इस एपिसोड को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। अमित, आप बहुत ही मतलब आपकी जो लेग स्पिन का जो कंट्रोल है वो बहुत ही अमेजिंग है, पूरी दुनिया उसे देख चुकी है। तो अगर कोई बच्चा लेग स्पिनर बनना चाहता है तो उसका माइंड सेट क्या होना चाहिए? मतलब टेक्निकली तो कोच सिखा देते हैं, पर आप एज ए प्लेयर एक माइंड सेट के ऊपर अगर दो टिप्स दें तो बहुत अच्छा होगा। माइंड सेट आपका बेसिकली ये होना चाहिए कि आपको बॉल स्पिन करानी आनी चाहिए, एक जगह पर डालनी चाहिए। उसके लिए स्पॉट बॉलिंग बहुत जरूरी है और मेहनत, लेग स्पिनर को मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा बॉलर लेग स्पिनर बनना है तो यू हैव टू बॉल मिनिमम वन एंड हाफ आवर्स टू मैच, मिनिमम वन एंड हाफ आवर्स टू मैच मिनिमम। और सिंगल विकेट आप जितना ज़्यादा डालोगे, स्पॉट बॉलिंग जितना डालोगे, उतनी आपकी बॉलिंग में और ज़्यादा धार आएगी। और मुझे लगता है कि जब आपका नेट खत्म हो जाता है आपको 20 से 25 मिनट सिंगल विकेट हमेशा जरूर डालनी चाहिए, जो लर्निंग प्रोसेस पे जो भी लेग स्पिनर हो। और आपकी एक मेन बॉल होनी चाहिए, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत बच्चे वेरिएशन ट्राई करते रहते हैं और अपनी एक मेन बॉल कभी बना ही नहीं पाते जी। तो एक लेग स्पिनर के लिए एक मेन बॉल जरूर होनी चाहिए, उसके बाद वो आपको रेक्टिफाई खुद करना पड़ेगा कि मेरी मेन बॉल क्या है, कि लेग स्पिन मेरी अच्छी है या मेरी स्ट्रेट आर्म बहुत अच्छी है या मेरी गुगली बहुत अच्छी है, मेरी टॉप स्पिन बहुत अच्छी है। वो आपको खुद को अपने आप को एनालाइज करके करना पड़ेगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप लेग स्पिनर हो तो आपकी बॉल स्पिन जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आप बैट्समैन को डाउट ज़्यादा दे सकते हैं बाद में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल टिप्स। तो आई एम श्योर कि जो भी बच्चे लेग स्पिन सीख रहे हैं और अमित जैसे बॉलिंग करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस में लेके आए हैं। जैसे इन्होंने टिप्स दी, सिंगल विकेट बॉलिंग करो और अपना एक मेन बॉल को फोकस करो और कम से कम एक से डेढ़ घंटा आप नेट में ज़रूर बिताओ। अमित, अब बात करना चाहेंगे IPL की, बिकॉज नाउ वी आर इन मिड ऑफ IPL एंड यस्टरडे यू कंप्लीटेड 150 विकेट्स। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि IPL का ये जो जर्नी रही है आपकी अभी तक, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैंने इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करी है, आपके लिए ड्रीम है, ड्रीम कम ट्रू वाली बात। अगर आप IPL में खेलते हैं प्लस आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प होता है, जिससे कि आप क्रिकेट लॉन्गर कर सकते हैं, आप ज़्यादा क्रिकेट के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आपको। क्योंकि क्या होता है कि फाइनेंशियली जब आपको हेल्प होती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, जो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में। क्योंकि आप अगर IPL में रहते हैं, जो फाइनेंशियली जब आपको हेल्प होती है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। आप अलग कोचेस के पास जा सकते हैं, आप जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं, आप अपने इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, आप अपनी खुद की कुछ, अगर आपको कुछ स्पेशल कुछ चाहिए वो आप कर सकते हैं। आप अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सबसे पहले तो, आप जब आपके पास फाइनेंशियली हेल्प होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिलता है आपको आगे 4-5 साल अच्छा करने का, लाइमलाइट में रहने का। यहाँ से एक डोर खुलता है आपके लिए, आपके जब लाइमलाइट आती है तो आपका एक डोर खुलता है कि इंडियन टीम में जाने के लिए भी डोर खुल जाता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ से बहुत एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। बट ये है कि उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। बट ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको सिर्फ ही सिर्फ IPL खेलनी है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IPL खेलने के से पहले लेकिन आपको डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जहाँ से आपका एक बेस बनता है। बेस जरूरी है हर चीज़ के लिए। वहाँ से आप जब बेस बन के आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रेशर कम फील होगा और आप अच्छा कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक एक्सपीरियंस बनता है। जैसे हमारी टीम में सौरव गांगुली हैं, बड़े बड़े लेजेंड रहे हैं, इतना परफॉर्म किया है, जिनकी पॉइंटिंग है, और भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं दूसरी कंट्रियों से। आप उनसे टिप्स लेके अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अगेंस्ट जिनके खेल रहे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े अपने टाइम के रनर रह चुके हैं, उनसे आप टिप्स लेके आप अच्छा कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मुझे लगता है कि आजकल के प्लेयर्स के पास बहुत सारी ऑप्शन है। बट इसको ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको कि नहीं मैं सिर्फ IPL खेल रहा हूँ और वो सब है, लेकिन इसको IPL को आप ऐसे यूज़ कीजिए कि जिस तरह से आप को इंडिया खेलना है और अच्छा इंडिया के लिए अच्छा करना है, लंबा खेलना है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे यंग बच्चे जब हम इंटरेक्ट करते हैं आजकल, वो जब भी एकेडमी या कोचेस के पास जाते हैं वो इंडियन टीम की बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं IPL खेलना है जी। क्यों? और उनके पेरेंट्स का माइंडसेट भी ये हो चुका है कि इतना पैसा जब मिल रहा है एक महीने में डेढ़ महीने में तो इतनी मेहनत क्यों करनी। तो ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप IPL का जब प्लेटफॉर्म यूज़ करो, पर ड्रीम आपकी इंडिया खेलना होना चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक जैसे वेरी वैल्यूएबल टिप। और दिल्ली कैपिटल्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, जैसे आपने बताया कि अभी सौरव गांगुली के साथ बहुत अच्छे एडवाइसेस मिलते हैं, दिखे भी हैं, बट आप एक लेजेंड हो दिल्ली कैपिटल्स के, और पहले डेली डेवल्स की, पर आप दिल्ली कैपिटल्स कहेंगे, तो आप पूरी जर्नी के बारे में बताओगे कितना अच्छा एसोसिएशन रहा है आपका? देखिए, मेरे को तो दोनों ही एसोसिएशन बहुत अच्छी लगी है, दोनों ही बहुत बढ़िया सपोर्टिव रहे हैं और दोनों अभी तक कोई प्रॉब्लम, मेरे को नहीं लगता किसी भी प्लेयर को कुछ हुई होगी।
और मैं ये जो दिल्ली कैपिटल्स के बारे में ये कहूँगा, नई नई सोच से आए, नए लोग हैं और एक फ्रेश एनर्जी आई है टीम के अंदर और काफ़ी टीम के अंदर बहुत पॉजिटिवनेस फैली हुई है और हर कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, हर कोई अच्छा करना चाह रहा है टीम के लिए, चाहे वो प्लेयर्स हो चाहे वो सपोर्टिंग स्टाफ हो, हर कोई अच्छा करना चाह रहा है इस टीम के लिए और अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है एक बार, और हम अच्छा कर भी रहे हैं, होपफुली कि इस बार प्ले ऑफ में जाए और वहाँ पर भी अच्छा करें, और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले एक दो मैच पे ज़्यादा ना सोच के आने वाले मैच पे फोकस करें, जो मैच है हमारा कल मैच है पंजाब के लिए, उस पर फोकस करेंगे, उसको जीतने जीतेंगे, मैच टू मैच चलना चाहिए और अच्छा एटमोसफेयर बना हुआ है, एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स चारों तरफ फैली हुई है, विच इज़ वेरी गुड। आप तो इतने सारे प्लेयर्स का खेल चुके हो क्रिकेट आईपीएल में, तो आपकी नज़र में सबसे टफ बैट्समैन कौन है जिसको आप सोचते हो कि यार इससे थोड़ा बच के रहो? ऑब्वियसली यार जो अपने इंडियन प्लेयर्स हैं सारे अच्छे हैं, बट मैं दो तीन नाम जरूर लेना चाहूँगा, एक एक अपना एम एस धोनी है नंबर वन, विराट कोहली हैं जो उनको बॉल डालने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है इन दोनों की, तो नो डाउट की तो काफ़ी बड़े प्लेयर हो चुके हैं, विराट कोहली मैं बचपन से जानता हूँ बिल्कुल, लेकिन अब काफ़ी उसने अपनी अब जैसे मैंने मेहनत की बात करूँ, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है, इंडियन टीम में भी देखा है और बाहर भी देखा है, वो ऐसे ही विराट कोहली नहीं बना है या एम एस धोनी ऐसे नहीं बना, उन्होंने मेहनत बहुत करी, बहुत मेहनत, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा बैटिंग करी है मैच पर, तब वो जाके ऐसे जो बच्चों को दिखता नहीं उनको सिर्फ दिखता है मैच, पीछे की मेहनत नहीं दिखती। जी बिल्कुल, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको वो उन जैसा प्लेयर बनना है, वो ड्रीम देख रहे हो, तो उनके पीछे की मेहनत बहुत ज़रूरी है देखने कि उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है। अमित एक और बात करना चाहेंगे, आईपीएल में हमें यू आर अ वेरी ट्रस्टेड लेग स्पिनर, नंबर वन लेग स्पिनर, और जब भी सीजन स्टार्ट होता है पीपल एक्सपेक्ट कि अमित विल बी इन प्लेइंग 11, बट वी हैव सीन दैट राहुल तेवतिया समटाइम्स गेट्स अ प्रेफरेंस, सो डज इट इफेक्ट यू एनी टाइम दैट यू बीइंग अ सीनियर लेग स्पिनर एंड राहुल तेवतिया? टोटली गोज टू मैनेजमेंट, जो उनको फील लगता है, जो उनको बेस्ट 11 लगती है दे वो प्रेफर करते हैं, बट वो उनका डिसीजन होता है जो भी होता है, बट मेरे को जब भी चांस मिला है मैंने परफॉर्म किया है और आगे भी मैं जब भी चांस मिलेगा परफॉर्म करता रहूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रहे जिससे टीम को हेल्प हो, जिससे टीम को जीतने में हेल्प हो, वो मेरा काम है, और ज़्यादा चीज़ें मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ, बाकी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपना काम करूँगा और करता कर ही रहा हूँ, कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में अपना काम करता। ये बहुत ही पॉजिटिव सोच है आपकी, बिकॉज समटाइम्स कुछ कुछ प्लेयर अपने ईगो पर भी ले सकते हैं, बट जो आपने बताया कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि जब आपको मौका मिलेगा तब अच्छा करना है, एंड यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स कि सिलेक्शन क्या हो रहा है। मेरा काम है सिर्फ जब भी मुझे मौका मिले मुझे परफॉर्म करना है, बस मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगा तो मेरा फोकस ही चेंज हो जाएगा, फिर जो मेरे को काम करना है उस काम को छोड़ के मैं 10 चीज़ों को सोचूंगा उसको क्या फायदा है, उस चीज़ों को छोड़ के नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव पे रहो जिससे कि आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत अच्छी बात है अमित, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गेव दिस पॉइंट, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट यू, और जब भी आपको मौका मिलता है हम देखा आप परफॉर्म करते ही हो, कल का मैच आपका इतना शानदार गया, और आई थिंक आप ऐसे ही आगे खेलते रहो, पीपल इन्जॉय वॉचिंग यू। अमित इसके अलावा हम डेफिनेटली बात करना चाहेंगे कि ओवरऑल इंडियन टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, एंड नाउ वर्ल्ड कप इज कमिंग, तो आपके लिहाज से अगर आपको चुननी होगी आपके टॉप फोर सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे? टॉप फोर में मेरा नंबर वन इंडिया, नंबर टू इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, पर वेस्ट इंडीज के अगर जो प्लेयर्स अभी जैसे आईपीएल में खेल रहे हैं अगर ये सारे अवेलेबल हो जाए, आईपीएल में अलग है मामला क्योंकि 20 ओवर का गेम है, बिल्कुल 50 ओवर का गेम है, तो मुझे लगता है कि 50 ओवर में वेस्ट इंडीज ने कभी इतना अच्छा करा नहीं, बट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, आई थिंक बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड बोल रहे हैं जी, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग वर्ल्ड कप, और इंडिया का काफी अच्छा मौका है, विराट पहली बार एज ए कैप्टन जा रहे हैं, एज ए बेस्ट बैट्समैन भी जा रहे हैं जी, तो आई थिंक बहुत अच्छा मौका है इंडिया के लिए। बिल्कुल, मैं ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ पूरी टीम को, और यही मैसेज दे रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप हमारे जीत के लाए, बिल्कुल, और विराट कोहली को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जीत के लाए वर्ल्ड कप इंडिया में, और सेलिब्रेशन यहाँ पे इंडिया में आके रहे। बहुत अच्छी बात है। मैं तो अमित अपने लिए आप क्या सोचते हो, व्हाट इज योर फ्यूचर रोड मैप, अभी आप क्या सोचते हो? अभी तो फोकस तो सिर्फ क्रिकेट पे ही है, अभी तो देख सोचा नहीं है कुछ क्या करना है, अभी एक दो साल के बाद जब तक बॉडी चल रही है जब तक कोई दिक्कत नहीं है
तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक बॉडी चल रही है तब तक खेल। आप बहुत फिट भी हो गए हो, काफी अपने वेट भी लूज किया है, वी कैन नोटिस दैट। जी जी, खाने पे बहुत ध्यान रखा हुआ है, फिटनेस पे कर रहा हूं कोशिश। तो आई थिंक क्रिकेटर के लिए फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विराट ने चेंज कर दिया है स्पेशली फिटनेस तो हर कोई करता होगा मुझे लगता है, पर खाना कंट्रोल बहुत जरूरी है, आपको खाना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने वैल्यूएबल टिप्स दिए अपने बच्चों को, एंड आई एम श्योर पीपल कनेक्टेड टू अवर चैनल विल लव दिस चैट। सो वी रियली वांट टू थैंक यू फॉर दिस अमित, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू कि आप आने वाले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करो और दिल्ली को जरूर ये खिताब जिताओ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स इट।